दाएं हाथ के बैट्समैन कामरान गुलाम की बात कर लेते हैं, जिन्होंने कायद अजम ट्रॉफी की तारीख में एक सीज़न में 1000 से ज़ायद रन बनाने वाले 13वें बैट्समैन होने का एज़ाज़ हासिल किया है। उनसे कबल ये एज़ाज़ कासिम उमर, सादत अली, अमीर अकबर, रिजवान उज़्ज़मा, सिंध की टीम के मौजूदा हेड कोच बासित अली, कौमी टीम के मौजूदा बैटिंग कोच यूनुस खान, दौरा न्यूजीलैंड पर ड्रॉप होने वाले तजुर्बेकार बैट्समैन असद शफीक, नवीद यासीन, आफाक रहीम, एक टेस्ट खेलने वाले मोहम्मद अयूब डोगर, नईम उद्दीन और पाकिस्तान के सबसे कामयाब विकेट कीपर बैट्समैन कामरान अकमल भी ये एजाज हासिल कर चुके हैं। दूसरी तरफ कायद अजम ट्रॉफी में सबसे ज्यादा विकेट लेने का एजाज खैबर पख्तूनख्वा के साजिद खान के पास है। 19 इनिंग्स में 24.8 सिफर की आसत से उन्होंने 62 विकेटें हासिल की हैं। 71 रन के बाद 6 विकेट की परफॉर्मेंस उनकी इनिंग्स में बेहतरीन बॉलिंग रही, जबकि उन्होंने 5 विकेट की परफॉर्मेंस 5 बार पेश की। कायद अजम ट्रॉफी के इस सीज़न में सिर्फ वाहिद बैट्समैन कामरान गुलाम हैं जिन्होंने 1000 से ज़ायद रन स्कोर किए हैं, और खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी करते हुए कामरान गुलाम ने 18 इनिंग्स में 1065 रन, 59.16 की औसत से 4 निफ सेंचुरियों और 4 सेंचुरियों के साथ बनाए हैं। तो अब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर कायद अजम ट्रॉफी 2020-21 के सबसे ज़्यादा विकेट हासिल करने वाले साजिद खान के हमरा सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले कामरान गुलाम टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। दोनों को शो में खुश आमदीद कहेंगे। पहले कामरान आपकी तरफ आ जाता हूँ। 2013 में आपने फर्स्ट क्लास डेब्यू किया और इस सीज़न में माशाल्लाह आपकी बड़ी शानदार कारकर्दगी है, तो क्या कहेंगे इस कारकर्दगी के पीछे? डेफिनेटली आपकी मेहनत का, आपके अज़्म व हौसले का बड़ा नतीजा रहा होगा, लेकिन पिछले 6 सालों में आपने वो कुछ नहीं किया जो इस सीज़न में हासिल किया, इसको आप किस तरह अपनी ज़बानी बयान करना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल सर, इसी तरह था कि मतलब 2013 से मैं फर्स्ट क्लास खेल रहा था। मतलब इतना ज़्यादा मतलब रन मेहनत तो हर बंदा करते हैं सीज़न से पहले, तो यही था कि मेहनत करते थे और थोड़े थोड़े रन बन रहे थे, बस इस सीज़न थोड़ा ज़्यादा फोकस था, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी फॉर्म लगी है, स्टार्ट से काफ़ी अच्छी फॉर्म लगी थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस सीज़न अच्छे रन बन रहे थे। कामरान आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहेंगे क्योंकि आप हमारे साथ साजिद भी मौजूद हैं जिन्होंने सीज़न में बड़ी उमदा कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, 62 विकटें हासिल की हैं। साजिद खुश आमदीद कहेंगे आपको, और इस सीज़न में जहां पाकिस्तान में उमदा बॉलिंग का काशिफ भट्टी मुजाहरा कर रहे थे, उसके साथ जाहिद महमूद बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन आप अचानक टेक ऑफ कर गए और आप जो हैं वो इन दोनों से आगे निकल गए, तो क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सर आपका। बिल्कुल जैसे आप देख रहे हो अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही है। मेरी परफॉर्मेंस सिर्फ इस साल नहीं, लास्ट ईयर भी मैं टॉप 5 में था, उससे पिछले साल भी मैं टॉप 5 में था, तो रेगुलर मेहनत करते रहे, इस साल मेहनत सारे करते हैं, लेकिन इस साल अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही है। एक तो कराची में सारे मैचेज हो रहे, तो इस वजह से भी, और अल्हम्दुलिल्लाह जैसी परफॉर्मेंस जा रही है इसको इंशाल्लाह फाइनल तक, फाइनल में अल्लाह करे कि ऐसी परफॉर्मेंस करे। कामरान वापस आपकी तरफ आता हूं, और सीज़न में आपने 1000+ रन्स किए हैं और नेशनल स्टेडियम कराची में अब आपकी टीम सेंट्रल पंजाब के ख़िलाफ़ फ़ाइनल खेल रही है। खैबर पख्तूनख्वा की ये लक है कि टॉप रन्स बनाने वाले बैट्समैन कामरान गुलाम उनकी टीम में शामिल हैं, सबसे ज़्यादा विकटें हासिल करने वाले साजिद खान उनकी टीम में शामिल हैं, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा इस शानदार कारकर्दगी के बाद आप सिले के लिए देख रहे होंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ कि आपको मौका मिले, और ये भी एक बड़ी अच्छी बात है कि जैसे ये सीज़न ख़त्म होगा, कायद अजम ट्रॉफी का फाइनल ख़त्म होगा, जनूबी अफ्रीका की टीम टेस्ट मैचों के लिए पाकिस्तान आ रही है, तो आपने 4-डे क्रिकेट में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, तो किस तरह आप उम्मीद रख रहे हैं कि अभी कल ही की बात है कि माउंट मांगानोई में डोमेस्टिक क्रिकेट के बेहतरीन परफॉर्म करने वाले फवाद आलम ने परफॉर्मेंस की, सेंचुरी स्कोर की, आप किस तरह देख रहे हैं कि आपको मौका मिलेगा? जी बिल्कुल, इस तरह है कि मतलब हमारा काम यही है कि मतलब परफॉर्मेंस करना, बाकी मतलब कोच सेलेक्टर वो देखते हैं मैच, सब कुछ को वॉच करते देखते हैं, बस हमारा काम यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह मतलब जितना मेहनत करे, मतलब हर बंदे का एक ख्वाब होता है कि वो मेहनत करे, वो रन बनाए और अपने मुल्क के लिए खेले, हर किसी का एक यही ड्रीम होता है, बस हमारा काम यही है कि हम जितना भी मेहनत करें और जितने ज़्यादा रन बनाए तो इंशाल्लाह ताला लाजमी फिर अपने मुल्क के लिए खेलेंगे, अपने टीम के लिए खेलेंगे। दैट्स वंडरफुल। साजिद आप किस तरह देख रहे हैं जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में, आपको लग रहा है मौका मिलेगा आपको, आपको कंसीडर किया जाएगा? जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है, कोई भी लड़का या कोई भी बंदा क्रिकेट स्टार्ट करते हैं तो एक गोल होता है, तो पाकिस्तान खेलना या पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना या जिधर दुनिया की भी किसी वर्ल्ड से कोई भी प्लेयर खेलता हो तो उसका अरमान होता है,
तो मेरा भी एक अरमान है इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए खेलूं, जो बहुत अच्छा 2-3-4 साल हो गए पाकिस्तान के साथ ऑफ्सनर है भी नहीं, तो इंशाल्लाह उम्मीद तो बहुत है, उम्मीद पे दुनिया कायम है, जितनी परफॉर्मेंस की है बाकी हमारा परफॉर्म करना गोल है, बाकी आगे खेलना पाकिस्तान के लिए खेलना एक उम्मीद है और ख्वाहिश है कि खेल। साजिद आप और कामरान आप दोनों के लिए हमारी बेस्ट विशेज हैं कि आप इसी तरह उमदा कारकर्दगी का मुजाहरा करें और अल्टीमेट ड्रीम जो आपका पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है उसमें आपको कामयाबी मिले। दोनों का हमसे गुफ्तगू करने के लिए बहुत शुक्रिया।